दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी का सच्चा आनंद हर वक्त हर दिन आनंद लेना चाहते हो तो आपसे इस सवाल का जवाब राजेश खन्ना के एक मोटिवेशनल डायलॉग में है। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ज्यादातर लोग ये जानते होंगे ये डायलॉग राजेश खन्ना की सुपर हिट फिल्म आनंद फिल्म का है, जिसमें उनके सहायक कलाकार महानायक अमिताभ बच्चन भी थे। तो इस फिल्म की जो पूरी पटकथा है, वो राजेश खन्ना का जो कैरेक्टर है इसमें आनंद, उसके ऊपर पूरा आधारित है। इस पिक्चर के जो मुख्य कलाकार जो राजेश खन्ना और आनंद रहते हैं, उनको कैंसर की बीमारी का निदान लगता है। तो वो पूछते हैं डॉक्टर को कि उसकी ज़िंदगी कितनी बनी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि महज 6 महीने की ज़िंदगी आपकी बची है। तो आनंद बोलता है ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। यानी उनके पास 6 महीने का वक्त रहता है, लेकिन वो उस 6 महीने में पूरी ज़िंदगी जी लेता है। हर वक्त हर पल में वो आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, लोगों से मिलता है, बड़ी प्यार से बातें करता है, उनसे व्यवहार बनाने की कोशिश करता है कि उसको इस बात का एहसास न हो कि वो एक पीड़ित है, एक रोगी है। वो अपने आप को महसूस नहीं होने देता। आपने ये पूरी फिल्म देखी होगी और ये फिल्म मोटिवेशनल फिल्म भी है उनके लिए, जो इस बड़ी बीमारी का नाम सुनकर आधे घायल वहीं से ही हो जाते बीमारी का नाम सुनके, लेकिन आप में करेज है, साहस है, तो आप आपकी ज़िंदगी हर पल पूरे आनंद के साथ जी सकते हो। यही इस पिक्चर के पीछे का एक निजाम, जो भी डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उनका एक मकसद था। और सही में यह फिल्म हर इस आदमी को देखनी चाहिए कि जो अपनी ज़िंदगी का सच्चा आनंद लेना चाहते हैं। इस फिल्म का एक ही हर एक डायलॉग के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है। इस पिक्चर का एक गाना भी है, जिंदगी कभी ये पहेली, कभी ये कभी ये क्योंकि जिंदगी ऐसी है, कभी आनंद कभी दुख उनके ज़िंदगी में आते रहता है। कभी असफलता, सफलता के बाद असफलता भी आती है, असफलता के बाद बड़ी सफलता भी मिलती है। लेकिन दोनों को, सुख हो या दुख हो, तो दोनों के प्रति आप दिल और दिमाग से शांत रहे तो आप आपका जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकते हो।